काले कानून के खिलाफ का जो आक्रोश सभी मीडिया के चैनलों में आज के दिन सुबह से चल रहा था, उसी वक्त को, इसी दिन को आज चुनाव आयोग ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव की घोषणा की है, बिहार के चुनाव की। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से छुटकारा चाहती है और मैं स्वागत करता हूं कि चुनाव आयोग ने आज बिहार की जनता को कुशासन से मुक्ति देने की तारीखों की घोषणा की है, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं। ये चुनाव बिहार का राजनीतिक दलों के बीच नहीं, जनता के अहम मुद्दे और वहां पे ना ताल ना मेल, एक खींचे ईस्ट में, दूसरा खींचे वेस्ट में और बीच में जनता पीस रही है। ऐसे बिहार के कुशासन वाले शासकों और जनता के मुद्दों के बीच का ये चुनाव होने जा रहा है। विषाद साफ साफ है, जो जनता 15 साल से एक फरेब का चेहरा बना के सुशासन की बात करने वाले को पहचान चुकी कि ये तो कुशासन है। जिस भाजपा ने कहा था जेडीयू यानी कि जनता का दमन और उत्पीड़न, प्रधानमंत्री जी ने जेडीयू की व्याख्या की थी और नीतीश कुमार जी ने भाजपा के लिए कहा था कि बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। पर फिर भी दोनों साथ साथ आए क्योंकि शासन में बैठना था, पावर के अलावा और कोई समीकरण नहीं था। आज बिहार में हर जगह आप नजर करो, लोग दुखी और त्रस्त है। जो नीति आयोग एनडीए की सरकार के वक्त का बना, उस नीति आयोग ने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूरे देश में अगर कोई सबसे नीचे गिरा हुआ राज्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो वो बिहार है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। वहां पे तेज दिमाग वाले युवा है, यूपीएससी में टॉपर्स बिहारी बाबू ज्यादा रहते हैं, बिहार की बच्चियां ज्यादा रहती है। उस बिहार में शिक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं है, उसको तनख्वाह नहीं, शिक्षक आत्महत्या करता है। कोरोना की महामारी को मैनेज करने में पूरी तरह से सरकार फेल, सरकार में बैठे हुए लोग भी कोरोना से ग्रस्त होके दम तोड़ रहे हैं। जो श्रमिक इस देश के चमकते कंगूरे या विकास की नींव बनाता है वो बिहारी बाबुओं का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। उनको भगवान भरोसे छोड़ा गया, दर दर की ठोकरें मेरे बिहार के श्रमिक खाते रहे, उनकी कोई चिंता नहीं की बिहार सरकार ने, ना मोदी सरकार ने। भाजपा के एमएलए के लिए सरकार की गाड़ी कोटा तक इल्लीगल तरीके से गई, पर बिहार के मेरे आम बिहारी परिवार के बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई थी। इन सब मुद्दों में कोहिनूर मुद्दा अगर किसी को कहे तो वो है मोदी जी का वो अनाउंसमेंट, 30,000 करोड़ दो मित्रों, 50,000 करोड़ दो, अरे भाइयों बहनों 80,000 करोड़ दो, और फिर बोले लो 1,20,000 का करोड़ पैकेज दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं उस आरटीआई एक्टिविस्ट का जो बंबई से हैं, उन्होंने आरटीआई फाइल की और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी अभी जवाब दिया है कि बिहार के पैकेज का 1 रुपया भी बिहार को नहीं दिया गया है। वो चाणक्य जी की भूमि है, वो भूमि लोकतंत्र की जननी है, उस बिहार की भूमि के लोग दिमागी तेज है, कैसा भी
खेल खेलें भाजपा और जेडीयू, बिहार की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आएगी। कांग्रेस और गठबंधन के साथियों की सरकार बनेगी। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ वहां जाएंगे और लोगों का जो प्यार आशीर्वाद हमें मिला है, मेरे सारे पीईसी के मेंबर्स हर डिस्ट्रिक्ट पे दौरा करके आए हैं, सही आंकलन करके आए हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंचायत अध्यक्ष तक की नियुक्तियां करके संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और 2015 में भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था, इस बार भी हम और हमारे साथी जो भी हैं रहेंगे साथ ही, उन सभी के साथ मिलके बिहार की जनता के आशीर्वाद से वहां पे हमारी सरकार बनेगी। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत है। देखिए, पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट है, तो अभी आज तो सिर्फ चुनाव की घोषणा हुई है, आगे आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी आज करना बड़ा मुश्किल है। आज मैं यही कहता हूं कि हमारे साथियों के बीच में हमारी बात ठीक से चल रही है। मेरी ये कोशिश है कि लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ मिलके, क्योंकि जनता ये चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तो हमारे कंधों पे भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि जो इस कुशासन को हटाना चाहती है जनता, वो चाहती है कि एक होके हम लड़े, तो उस जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए मानता हूं हम लाइक माइंडेड पार्टी साथ बैठ के, होता है जहां पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट होने के नाते सबको ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना है तो खिंचातानी हो सकती है, पर आखिर अगर सोच की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की आवाज सुन के उनके लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमारी राजकीय खुदगर्जी का कोई मायना नहीं रहता है। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम हमारा साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। मेरी कुशवाहा जी से लगातार बात होती रहती है, वो एनडीए को छोड़ के खुद मंत्री थे, वो उस वक्त छोड़ के क्यों निकले, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से एनडीए को देखा था और सैद्धांतिक तौर पे निकले थे। मैं मानता हूं कि आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आरजेडी वहां पे हमारे साथ अलायंस है, अलायंस के बीच में बातें होती रहती है। एक अलायंस का भी मजहब होता है, गठबंधन का भी एक धर्म होता है, और अंदरूनी बात क्या होती है, कभी कभी जो बेडरूम में बात होती है उसका डिस्कशन ड्राइंग रूम में नहीं होता है। उसी तरह से गठबंधन का, जब तक हम फाइनल कुछ नहीं नतीजे पे आते हैं, इस कैमरा की आंख के सामने कहने का ये उचित वक्त नहीं है। जरूर हम साथ बैठेंगे और बैठ के हम तय करेंगे कि जो भी गठबंधन के हित में होगा, मैं अकेला कुछ कह दूं वो ठीक नहीं होगा, हम बैठेंगे वैचारिक तौर पे बात करके कि आखिर गठबंधन को फायदा कैसे हो रहा है। अगर चेहरे से फायदा हो रहा है, हाँ यही चेहरा है, अगर लग रहा है कि नहीं अभी ऐसे ही लड़ना है तो ऐसे लड़ेंगे, पर ये गठबंधन में हम मिलके तय करेंगे, मैं अकेला आज इसके ऊपर कॉमेंट नहीं करूंगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी को अपना नेता अपना चेहरा देने का अधिकार है, उसमें क्या गलत है, तो अगर आरजेडी अपना चेहरा देती है तो इसे किसी को एतराज नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के साथ ही मैंने कहा हमारी बातें होती रहती है, कुछ स्टेज पे हम आगे भी बढ़े हैं, कुछ स्टेज पे चर्चा का अवकाश भी है,
और जब तक वो बातें खत्म होके एक फाइनल स्टेज नहीं आता है, जो बातें अभी चर्चा के मुद्दों पे होती है उनको साझा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में मानने वाली पार्टी है, सभी के साथ मिलके जो भी मत बनेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी। देखिए, हमने तो मांग की थी, आप जानते हो कि 500 से ज्यादा वोटर एक पोलिंग स्टेशन में नहीं होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि 1000 कर दिए हमने, मैं नहीं मानता हूँ इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वक्त एक घंटा बढ़ाने से कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, पर चुनाव आयोग क्योंकि एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और मैं खुले मंच से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, पर सुझाव हमने दिए थे, अगर उस सुझावों को माना गया होता तो अच्छा था। अभी ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल और चुनाव आयोग पे और बढ़ गई है। अगर कल को बिहार में और कोरोना बढ़ जाएगा, आज बहुत बहुत हालत खराब है बिहार में, ना ठीक तरह से वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, ना ठीक तरीके से परवरिश हो रही है, ना अस्पताल में पूरी व्यवस्था हो रही है, और दर दर की ठोकरें मरीज खाते हुए ऐसी हालत है, उसमें कहीं चुनाव कोरोना और बढ़ाने का एपिसेंटर ना बन जाए, वो देखना बहुत ही जरूरी है। यस, यहाँ जाके आऊँ। देखिए, हम सबको नाज है, सुशांत सिंह बिहार का युवा, टैलेंटेड युवा, जिसने कम समय में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया था, उस केस में न्याय मिले ये हमारी मांग थी। सबसे पहले हमने विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक अवधेश सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, कि इसको सीबीआई को दो, और हमने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगेबानी में होना चाहिए। परिवार भी जो चाहता था, हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है, हम चाहते हैं उसमें न्याय मिले। अगर इसके पीछे कोई भी दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, कौन पीछे उसे कोई लेना देना नहीं। पर सुशांत सिंह जी के नाम पे राजनीति करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे वोट बटोर लेंगे ताकि लोग श्रमिक की दिक्कत भूल जाए, ताकि लोग बाढ़ को भूल जाए, ताकि लोग कुशासन को भूल जाए, जो वहां लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हुआ है, कोरोना की दिक्कत है, वो मुद्दे चले जाए, और हम सुशांत सिंह की राजपूत के नाम पे वोट बटोर लेंगे। मैं मानता हूं ऐसा जो भी सोचता है वो मूर्खता कर रहा है। दिमागी तेज सोच वाले बिहार के लोग दिमाग से चलने वाले हैं, वो जरूर, पूरा बिहार सुशांत के साथ है, पर बिहार के साथ कौन, वो क्वेश्चन मार्क जनता जरूर करेगी, और इस सवाल का जवाब ना भाजपा दे पाएगी ना जेडीयू दे पाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति करते हैं। सीबीआई को दे दिया केस, क्या हुआ, अब हर रोज ध्यान भटकाने के लिए किसी न किसी फिल्म स्टार को समन किया जाता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी सबूत आता है तो वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है, फिर भी हर उस चैट को मीडिया से साझा किया जाता है ताकि टीआरपी बढ़े इस चक्कर में, और इश्यू को भूल के चैनल्स भी वही फिल्मी दुनिया को दिखाते रहें और असली इश्यूज ना आए लोगों के सामने। वो कोशिश, एक सोची समझी साजिश, मोदी मॉडल जो गुजरात में था वो नेशनल लेवल पे लागू हुआ है, उसी की बदौलत होता है। पर बिहार में 2014 के रिजल्ट के बाद 2015 में एनडीए ने मुंह की खाई थी, इस बार 2019 के चुनाव के बाद इस विधानसभा चुनाव में हिस्ट्री विल रिपीट इट्सेल्फ,
इतिहास अपने आप में उसका पुनरावर्तन करेगा। यस, आपको आज कांग्रेस एक्सेप्टेबल है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की पेस, और आप आरएलएस की भी टच में हैं कि हमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस सत्ता में आना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो भी तय होगा वो हम साथ मिलके करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी को अपना अपना मत रखने का अधिकार है, पर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि एक सोच की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो छूट मूट बातों को साइड में रखते हुए सभी को अपना ईगो अपना अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार की जनता अल्टरनेटिव चाहती है, अच्छा अल्टरनेटिव चाहती है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट का डिवीजन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई इसमें गलत रास्ते निकल भी पड़ेगा, अगर कोई भी निकल पड़ेगा, तो बिहार में तो जागृत लोग क्या कहते हैं आप देख लीजिए, उसका वहाँ का कोई भी बड़ा चेहरा भी ऐसा अगर गलत रास्ते निकलता है तो वो कहते हैं ये वोट कटवा है, इसे वोट नहीं देंगे। तो अगर कोई गलत रास्ते निकलेगा तो कोई बीजेपी कभी कभी करती है कि इसको साथी को छोड़ा दो, CD ED CBI डराओ धमकाओ, तो वो तोड़फोड़ किसी नेता के ऊपर भी वो करेंगे, और वो नेता उस डर से भी अलग होंगे तो बिहार की जनता से भी वो अलग हो जाएंगे। नो वन टू वन भाई साहब, इतना तो हो गया यार, आपको दया नहीं आ रहा है? बिहार मेरा मोक्ष चाहता है ऐसा लगता है।